की करहो सभे फुसुर फुसुर बात गड़बड़ लागो हो अमैया गे करबहु नै बियाह बा मौगी अनट लागो ह कौदतिया गे सोना आबहु बरतिया फट फट लागो ह कौ। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन निक्स। मित्रों, एक ऐसे स्टार देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत सारे गाना सुनते होंगे, मगही स्टार, वो हमारे साथ आशीष लाल यादव है। कैसे हैं भैया? बढ़िया हैं। और अभी आपका गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है गांव देहात में, उस पर आप क्या कहिएगा? श्रोता सबका आशीर्वाद है, प्यार है, तो चल रहा है। 90% में जहाँ भी देखते हैं भैया तो 10% मानिए तो किसी का गाना रहता है, 90% तो आप ही का गाना एकदम लगातार चल रहा है, तो कैसा रहा एकदम शुरू से, प्रोग्रेस कैसा रहा भैया? शुरू से देखिए शुरुआती कठिनाई बहुत था। अच्छा। बहुत ज़्यादा परिश्रम हुआ इस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा परिश्रम किए, मेहनत किए, तब जाके आज यहाँ तक है, और जनता का आशीर्वाद प्यार रहा तो आज जनता का आशीर्वाद प्यार। अच्छा, पहला ऐसा कौन सा गाना था जो कि आपका हिट कर गया भैया? था एक ठो सिवाय म्यूजिक से आया था गाना मेरा। अच्छा। लिए छोड़ी इस तरह। और कब से इस फील्ड में कब से आ रहे भैया? 2018 से शायद। हाँ, 2018 से। अभी भैया का कोई परिचय का मोहताज नहीं है, कहीं ना कहीं गांव देखिए, सर देखिए, कहीं ना पूरा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो पहला जो गाना हिट किया भैया, थोड़ा सा दो लाइन वो गाना था ऐसे कि अगे माई कौने छोड़ डीजे बजावे लाना, कि अगे माई कौने छोड़ी कमर हिलावे लाना। वाह, क्या बात है, ताली मारिए थोड़ा सा। देखिए आशीष भैया एकदम गला इतना दीवाना है, इतना फैन है, बहुत सारे फैन, इतना कि भैया आपसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? आ रहे हैं, और बहुत सबको पता नहीं है कहाँ रह रहे हैं ना रह रहे हैं, बाकी जिसको पता है वो तो आ ही जा रहे हैं। अभी मगही कलाकार में बहुत सारे कलाकार हैं सर, गाने वाले अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो लोग का गाना वायरल क्यों नहीं, तो आपका गाना किस तरीके से गाते हैं, आपका वायरल हो जाता है सर? देखिए सबका अपना मेहनत है, गाय भी मेहनत कर रहे हैं है ना, अगला भी मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, बस अपना अपना पसंद है, सब श्रोता का जिस तरह पसंद है उस तरह गाना। आपका भी एक फिर गाना आया है सर, उम्र है 17। हाँ, ये वाला गाना अभी पूरा एकदम हर जगह सब बज रहा है, एक अभी एक तो गाना बहुत वायरल चल रहा है मेरा ये। अच्छा। मैया के करबो ना बियाह बा, थोड़ा गुनगुनाए, करीबन 5 दिन में 24 लाख व्यूज है उसका। जी जी जी। हाँ, वो गाना बहुत अच्छा खासा रिस्पांस किया। ये वाला गाना अभी सर आपका नया आया है सर, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए वो वाला गाना, थोड़ा सा दीजिएगा सर। की करहो सभे फुसुर फुसुर बात गड़बड़ लागो हो अमैया गे करबहु नै बियाह बा मौगी अनपढ़ लागो हो। ये गाना सर, ये जो अभी बज रहा है सर, अभी मार्केट में आपका भी नया आया है सर, जो ये गाना भी बज रहा है, ये उम्र हो गलो 17-17 के जरूरी हो, ये वाला गाना नहीं कहेंगे नहीं, ये अभी न्यू है। और भैया हमारे साथ काफ़ी अच्छा मैंने प्रोसेस दिए, और हम सुबह से आए हुए थे भैया, तमाम जो दर्शक आएंगे बहुत दूर दूर से, उसको क्या मतलब कैसे आएंगे, थोड़ा आपसे मिलने क्या, क्या? जैसे जो बहुत सारे फैन बहुत आने वाले लोग हैं सर, बहुत बड़ बड़ भी कहा, जैसे अभी कुछ बांका जिला से आए हैं, कोई देवघर से आए हैं, कुछ लखीसराय जिला का है, तो वो लोगों के लिए सर कैसे, वो कहाँ पे आपसे मिल पाएंगे? स्टूडियो सोनो। अच्छा भैया, आगे भी प्रोग्रेस मतलब फिल्म के लिए भी होगा? हाँ होगा। फिल्म के कब आ रहे हैं सर, जैसे कि फिल्म कोई भी जब हो पाएगा तो करेंगे। अच्छा, ये बोलबम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, बहुत जल्द बोलबम का सॉन्ग आ रहा है मेरा। हाँ, बहुत जल्द आएगा, थोड़ा शादी को लेकर के बिजी थे, अब आज से काम मेरा स्टार्ट हो जाएगा बोलबम। कब तक सर आपका बोलबम का गाना सर रिलीज हो जाएगा सर? दो तीन दिन। देखिए भैया सबसे अच्छी बात बोले भैया, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है आपके, हम पूरा सुनते हैं, ये फट फट जो दतिया वाला गाना गाए, थोड़ा सा गा दीजिएगा भैया। कि फट फट लागो ह कौ दतिया गे सोना आबहो बरतिया, फट फट लागो ह कौ दतिया गे सोना आबहो बरतिया। वाह, क्या बात है। फिल्म के लिए सर आपका क्या प्लानिंग, फिल्म कब तक, ये भी दर्शक चाह रहे हैं कि शशि सर जो है कब तक जो है फिल्म में जाएंगे, और कब तक जो है फिल्म का कैसेट हो जाएगा? देखिए जब काम कर रहे हैं तो आना ही है ना, अब देखते हैं कब तक सफल होगा वो चीज़। तो मगही में आएगा सर कि भोजपुरी में आएगा सर? ना, मगही गा रहे तो मगही में आएगा, क्योंकि सर इस बार आप जानते होंगे सर कि जितना भी भोजपुरी सुनने वाले जो भी दर्शक थे वो टोटल अब मगही सुनना चालू हो गया कर दिए हैं सर, तो आप उनको ये भी चाह रहे हैं कि नहीं, जो भोजपुरी फिल्म देखते थे तो हम लोग जो है
अब मगही फिल्म भी देखेंगे तो उनके लिए सर क्या तैयारी है सर, कब तक उम्मीद करेगा सर आपके पास? देखिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, बाकी बात धीरे धीरे अपने दिखे। हाँ अच्छा सर, जो लाइन में लगे हुए कलाकार हैं बहुत दिन आपसे पहले से, वो भी गाना गा रहे थे, अभी तक उनका जो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वैसे लोगों को सर किस तरीके से सपोर्ट करेंगे सर? देखिए अगला आदमी का अगर यदि कुछ है और वो कहे कोई आके कि हमको ये सपोर्ट चाहिए तो मिलवे करेगा, ऐसा थोड़ा नहीं देखें हम ऊपर। बहुत पहले से गा, बूढ़ा हो गया गाते गाते सर, अब देखिए कहाँ कहें बूढ़ा हो गया, लेकिन भैया का दिल बहुत बड़ा है और तमाम दर्शकों जो हमारे देख रहे हैं आभार। और आखिरी में क्या कहेंगे भैया, शादी कर लिए तो उस पर क्या कहेंगे? शादी कर लिए सब ठीक ठाक है, अब बहुत सारे फैन होंगे आपके शादी कर लिए तो, उनका भी डिमांड था कि थोड़ा सा भैया शादी के बाद अभी तक कोई मीडिया पास नहीं आया तो हम लोग बहुत देर से आए चलिए, और बहुत चाहते हैं आपको एकदम। इतना क्यों सर चाहने लगे आपको पब्लिक, ऐसा क्या सर आपको सबका प्यार है आशीर्वाद है क्या इतना सर, ये क्या मई तो पूरा धमाल मचा दिए सर हर जगह आप ही को सर, खेसारी लाल यादव उतना बड़ा स्टार थे सब उनको सुनते थे, उनको भी आप बजा दिए सर? नहीं किसी को कोई बजा दिया गया है सर, सबका अपना अपना मेहनत है, कोई नहीं सुनता है सर उनका, और किसी को कोई परास्त नहीं कर सकता, सबका मेहनत है अपना अपना जो जैसा मेहनत। अच्छा शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? दो लाइन बोल दीजिएगा सर, थोड़ा अपना। शादी ठीक ठाक हुआ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत थोड़ा बहुत हुआ तो कोई दिक्कत ना है, प्रमोद सर आए थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा ऐसा भी है सर कि जो वाइफ है आपके साथ वो भी थोड़ा सा ये सिंगिंग लाइन में आएंगे सर? नहीं शिक्षा लाइन में ना, परिवार नहीं आएंगे है ना, ये थोड़ा सा लोग जानना चाहते थे। नहीं जी बोले ना। अच्छा सर थैंक यू। देखिए हमारे साथ आशीष लाल यादव थे, बाकी इनका इंटरव्यू, भैया का इंटरव्यू कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी